हेलो दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जियो फ़ोन में आपकी इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में 4 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जियो फ़ोन के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है दोस्तों। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक एपिन सेट करना है, जो कि आपको बता लेता हूँ। यह पहला वाला ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आपको एपिन सेट करना है। तो आपको एपिन सेट करने के लिए यहाँ पर आना है मोबाइल नेटवर्क डाटा, उसके बाद नीचे जाना है, ये एपिन सेटिंग्स मिलेगा। तो इसके ऊपर दबाने के बाद डाटा सेटिंग्स में आना है और आपको न्यू एपीएन सेट करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, ऐड एपीएन होगा आपका, डिफ़ॉल्ट में ये होगा दोस्तों। मैं अभी डिलीट कर लेता हूँ इसे। आप कब ओपन करेंगे कुछ इस तरह से रहेगा। तो आपको क्या करना है, ऐड एपीएन पर दबाना है। इसके बाद पहला वाले में आपको जियो नेट लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको पूरी सभी को आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आना है दोस्तों, रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर आने के बाद आपको इसको लास्ट वाला कर लेना है। इसके ऊपर को भी लास्ट वाला कर लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर लेना है दोस्तों। सेव करने के बाद इसके ऊपर आपको दबा लेना है और ये हो गया पहला ट्रिक। उसके बाद आपको यहाँ पर एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करके देख सकते हैं आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपने फ़ोन में ज़रूर चेक करना। और यहाँ पर दूसरी ट्रिक भी बता लेता हूँ। तो आपको दूसरी ट्रिक है, यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर डो नॉट ट्रैक ऐसे कुछ है, इस पर आ जाए और इसको आपको थर्ड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। आपका ये होगा या फिर यह होगा तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउजिंग प्राइवेसी में जाना है दोस्तों। ब्राउजिंग प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउज हिस्ट्री, इसको क्लियर कर लेना है। ये करने से आपका जो ब्राउज़र का हिस्ट्री होता है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, जिससे आप ब्राउज़र में यूट्यूब में कुछ भी सर्च करेंगे तो बहुत फास्ट निकलेगा। आप इसे भी कर सकते हैं, क्लियर कुकीज एंड स्टोर डाटा। इसे करने से आपका जो यूट्यूब का साइन इन है वो चला जाएगा, आपको फिर से गूगल अकाउंट से साइन इन होना पड़ेगा। तो आपका मर्जी, आप कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको ये कुछ 3 ट्रिक्स था। और एक ट्रिक भी बता लेता हूँ, जो कि आप डाउनलोड करने के बाद वक्त यूज़ कर सकते हैं। आपको दिखा लेता हूँ वो कौन सी ट्रिक है। आपका अगर यहाँ पर डाउनलोड चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये नीचे वाला ऐप है ना, जियो हेल्पलाइन, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पर डाउनलोड चलता रहेगा। आपको यहाँ पर इसका कॉल लगा लेना है दोस्तों। आप कॉल लगा कर अगर डाउनलोड करोगे तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत बढ़ जाता है, आपका डाउनलोड जल्दी हो जाता है। ये मैं बहुत बार यहाँ पर ट्राई किया दोस्तों, मुझे ये मिल गया। ये कुछ ट्रिक है, ये एंड्रॉयड फ़ोन में भी वर्क करता है। आप ज़रूर चेक कीजिए दोस्तों, अपने जियो फ़ोन में ये ज़रूर वर्क करेगा। तो कुछ इस तरह से 4 ट्रिक्स था आपके इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जियो फ़ोन के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। तो बाय दोस्तों।